नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज डेट है 16 अक्टूबर 2023। यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए हम द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं और एक इंडियन एक्सप्रेस का है, अगर टाइम बचेगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये एडिटोरियल्स हैं आज के कुछ, एक इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि किस तरीके से जो हमारा जो कास्ट सेंसस चल रहा है उसके ऊपर है, और छत्तीसगढ़ को इन्होंने बना के दिया हुआ है, मतलब कि छत्तीसगढ़ की केस स्टडी है। तो ये भी कुल मिला के एक पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। दूसरा, ये आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने IOC की एक कमेटी की मीटिंग हुई थी मुंबई में, उस दिन परसों हुई थी, और उसमें मोदी जी ने बोला कि इंडिया जो है 2036 का ओलंपिक को होस्ट करने के लिए बिड करने वाला है, और साथ ही साथ हम लोग 2032 के ओलंपिक्स को भी ट्राई करेंगे, ठीक है, बिट करने के लिए। लेकिन फिलहाल 2036 का अगर क्वेश्चन में आता है तो 2036 को हम लोग लिखेंगे। अगर आपने उस दिन नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हमने जो है हमारी कंट्री में इसमें स्पोर्ट्स को बहुत तेजी से बढ़ावा मिल रहा है, और हमने अभी जो एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि कौन कौन से इनिशिएटिव हमारे यहाँ लिए गए इंडिया में, जिसकी वजह से कुछ दिनों पहले जहाँ पर मेडल्स नहीं आते थे और अब मेडल्स आने लगे। और उन्होंने एक हिस्टोरिकल ये भी बताया था कि देखिए हमारे यहाँ जो है धौलावीरा, जो कि एक मोहन जोदड़ो हड़प्पा की साइट है, धौलावीरा में दो स्टेडियम्स मिले हुए हैं, और ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्री में आते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया था। साथ ही साथ बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, पैरा गेम्स, और बहुत सारी जो स्टेडियम्स बन रहे हैं, जैसे अपने मेरठ में बन रहा है एक स्टेडियम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मेरठ में यूनिवर्सिटी भी बन रही है खेल की, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। और देखिए जो प्रीमियर लीग्स होने लगी हैं, प्रो कबड्डी लीग हो गई, IPL हो गई, और नेशनल चैंपियनशिप फुटबॉल की जो चलती है, वो तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हुए हैं जिनकी वजह से स्पोर्ट्स को एक बल मिला, और स्पोर्ट्स इस समय हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया के लिए, और हम लोग बहुत मेडल्स लेके आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद में अगला आर्टिकल यहाँ क्लोजिंग जेंडर पे गैप, जो कि क्लोडिया से रिलेटेड है, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है। और एक यहाँ पर अगला आर्टिकल इसराइल हमास एंड द लॉज ऑफ द वॉर। तो हम इसको क्या इंटरनेशनल लॉ है जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दे तो उस केस में कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दो कोर्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए, इन दो कोर्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम आज देख लेंगे इसी टॉपिक में, और पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कि रोम स्टेच्यूट क्या है, ये सारी चीजें देख लेंगे। उसके बाद में ये आर्टिकल जो है हिंदू का ही है, इसमें द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। तो किस तरीके से जो फ्यूचर में हमारी फूड सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, इसके लिए तीन राइटर्स हैं, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको आपको जो है बहुत डिटेल में देखना चाहिए। इसमें देखिए ये यहाँ पे देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिप्रेजेंटेटिव, तीन लोगों ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा हुआ है, और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की है। तो चलिए आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे यहाँ पूरे हमारे जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने दो तरीके के लॉज को बनाया हुआ है। एक तो पहला लॉ कहता है कि वेन कैन अ कंट्री यूज द फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस, कब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, उसको बोलते हैं जस एड बेलम, ठीक है। और जब किस तरीके से एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को, मतलब जो वॉर होगा वो वॉर किस तरीके से लड़ा जाएगा, उसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए जो इंटरनेशनल लॉ है उसको बोलते हैं जस इन बेलो। तो जस एड बेलम एंड जस्ट इन बेलो, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। उसके बाद में अब जिस तरीके से ये जो सेकेंड पॉइंट है कि हाउ इज वॉर टू बी फॉट, इसके लिए जो लॉ बनाया गया है उस लॉ को कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है। उसके बाद में ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है इसकी जो डिटेल्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो डिटेल्स हैं वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जिनेवा कन्वेंशन 1945, द एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1977 में लिखी हुई है, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पास किए गए कुछ लेजिस्लेशंस हैं। इन लेजिस्लेशंस में
या फिर इनको लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं, या एक ये ब्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। ठीक उसी में आता है कि इंटरनेशनल, अगर वॉर की सिचुएशन हो तो उसमें इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज होते हैं उनको भी इन डॉक्यूमेंट्स में, ब्रॉड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया गया है। ये पॉइंट हो गया। अब अगली स्लाइड में ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन लॉज का। इन लॉज का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम है कि हम सिविलियंस को बचाएं वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन में, और जो उनकी सफरिंग्स हैं उनको कम करें, या फिर जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविलियन स्ट्रक्चर है उसको बचाने की कोशिश की जाए, सोसाइटी को बचाने की कोशिश की जाए। तो हमने देखा कि पहले तो दो चीजें हैं मुख्य कि कब लड़ा जाएगा युद्ध और कैसे लड़ा जाएगा युद्ध। उसके बाद में इंटरनेशनल जो लॉ है वो दो तरीके के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगरी है इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसको तब माना जाता है, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तब कहा जाता है जब दो कंट्रीज आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करें। ठीक है, दो स्टेट, दो सॉवरेन स्टेट हो और वो दोनों सॉवरेन स्टेट आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहिए। उसके बाद में नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? देखिए इंटरनेशनल आप समझ रहे हैं, नॉन इंटरनेशनल क्या है कि कोई ऐसा नॉन स्टेट एक्टर हो और एक स्टेट हो, उन दोनों के बीच में अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे हमास आज की डेट में, हमास को क्योंकि कोई भी जितने भी ये डेवलप्ड नेशन है या वेस्टर्न नेशन है जैसे यूएस, यूरोप, जापान, इवन इंडिया भी हमास को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है ना, तो इस वजह से जो है ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। तो ये तो बातें हो गई जो कि हमारे एग्जाम में हम ना याद कर पाएंगे ना हमें लिखना है। अब हमारे लिए मुख्य क्वेश्चन क्या उठता है इस आर्टिकल से? इस आर्टिकल से हमें तो पहली बात बॉडीज जानना है, इंटरनेशनल आईसीसी और आईसीजे के बारे में। उसके बाद में क्वेश्चन इज अराइजिंग ऑन द सिविलियन किलिंग्स। देखिए युद्ध में क्या होता है, युद्ध में होता है कि आप जब भी आप फाइट करेंगे, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब भी फाइट करेगी तो वो सिर्फ जिनसे फाइट कर रही है यानी कि आर्मी पर्सनल या सोल्जर से ही फाइट होगी, सिविलियन से फाइट नहीं होगी। ठीक है, ये नंबर एक पहला रूल ये है। उसी में आता है कि इनडिस्क्रिमिनेट अटैक नहीं होना चाहिए। आप जैसे इस समय करंटली क्या है, करंटली जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ उसके बाद में इसराइल ने हमास के ऊपर बमबारी शुरू कर दी, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो है सिविलियंस मारे गए। साथ ही साथ क्योंकि हालांकि स्टार्ट हमास ने ही पहले किया, लेकिन बात यह है कि अगर हमास ने स्टार्ट भी किया है तब भी जो दूसरा नेशन है जो जिसको रिस्पॉन्ड करना है, रिटेलिएट करना है, वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से नहीं कर सकता अटैक, उसको डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। उसको दो तीन चीजें हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो सिविलियन एरिया में आपको, आप किसी भी तरीके की जो है फायरिंग या बम्बार्डिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपको सिविलियंस को अनाउंस करके इतना टाइम देना पड़ेगा कि आप अपनी लोकेशन से इवैक्यूएट हो जाइए, कि हो सकता है यहाँ पे सर्च एंड सर्च एंड फायर वाला जो इस समय जैसे चल रहा है कि वो जाएंगे और जिन एरियाज में छिपे हुए हैं टेररिस्ट वहां पर सर्च करेंगे एंड दे विल एग्जीक्यूट देम। तो इस तरीके की दो चीजें आपको पहले ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, उसके बाद में डिसप्रोपोर्शनेट यूज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमास ने 6,000 बॉम्ब्स इसराइल पे गिराए थे तो ये नहीं कि इसराइल जो है 60,000 बॉम्ब्स हमास पे गिरा देगा और एकदम तहस नहस कर देगा, तो डिसप्रोपोर्शनेट या फिर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर देगा, तो इस तरीके की सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज जो है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, तो आप जब भी अपने क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि एज पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज अटैक कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन द सिविलियन एरियाज। ठीक, उसके बाद में हॉस्टेज टेकिंग सिचुएशंस। तो अब हम आपने देखा कि हमास ने किस तरीके से जो वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, उसमें वो लोग उन्होंने अटैक किया और वहां से बहुत सारे इंटरनेशनल सिटीजन्स भी थे उनको उन्होंने हॉस्टेज बना लिया। तो हॉस्टेज किस कैटेगरी में आता है? हॉस्टेज आता है रोम स्टेच्यूट आर्टिकल 8 के अंतर्गत, अ वॉर ऑफ क्राइम के अंतर्गत। कहने का मतलब, अगर आपने किसी कंट्री के बंदों को होस्ट कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, होस्ट नहीं किया, उनको हॉस्टेज, उनको बंधक बना लिया है। ठीक, अगर उनको आपने बंधक बना लिया है देन यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ
दिस एक्ट विल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वॉर क्राइम। ठीक, तो ये वॉर क्राइम हो गया हॉस्टेज वाली सिचुएशन पे। और दूसरी चीज, अब दो पॉइंट्स आपने देख लिए, एक तो आपने पॉइंट देख लिया कि किस तरीके से जो सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक, और नंबर टू पॉइंट आपने देख लिया हॉस्टेज सिचुएशन सिविलियन एरियाज। अब तीसरा पॉइंट आता है कि गाजा पट्टी पर जो गाजा स्ट्रिप पर जो ब्लॉकेट चल रहा है, आपको पता है कि करीब 2007-08 से ही इसराइल ने जो गाजा पट्टी है, ठीक है, इसराइल का जैसे ये मैप है तो आपको पता है कि यहां पर लास्ट में बिल्कुल गाजा पट्टी है, ठीक है, गाजा पट्टी, और ये मेडिटेरियन सी से यहां से कनेक्ट होता है। तो जो गाजा पट्टी है, इस गाजा पट्टी को ना तो इस गाजा पट्टी के जो बाउंड्रीज हैं उनके चारों ओर फोर्स लगी हुई है और ये सराउंडेड है, इनसे ना तो कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर जा सकता है बिना इसराइल की इजाजत के। तो एक काइंड ऑफ इसको ओपन प्रिजन भी, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो क्या आप इस सिचुएशन में, किसी वॉर सिचुएशन में, क्या एक कंट्री की सिविलियन जो भी मास है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, उसके मूवमेंट को ब्लॉक किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अगर ये भी एक वॉर क्राइम होगा, और आपको इन सिविलियंस को इतना मौका देना चाहिए कि ये आराम से इवैक्यूएट हो जाएं। ठीक, इसका रीजन, ऐसा करने का क्या रीजन है कि किसी भी बंदे को आप ऐसे क्राइम के लिए, किसी भी बंदे को आप बिना किसी क्राइम के पनिश नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर उसने कोई भी क्राइम नहीं कमिट किया है देन ही और शी शुड नॉट बी पनिश्ड। तो ये होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन केस ऑफ वॉर एंड अटैक। ठीक, तो ये बात हो गई। अब बात आते हैं कि भैया अगर ये सारी सिचुएशंस हो रही हैं जहां पर वॉर हो रहा है या फिर जीनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, हॉस्टेज की सिचुएशंस हैं, तो इसमें क्या इंटरनेशनल कौन सी पॉलिसीज हैं जिसके जरिए जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और जो भी कल्प्रेट्स हैं उनको उनको ट्रायल कर सकते हैं, उनको पनिश किया जा सकता है? तो उसके लिए आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया था 1998 में थ्रू द रोम स्टेच्यूट। अब रोम स्टेच्यूट क्या है? रोम स्टेच्यूट एक डॉक्यूमेंट है, एक समझ लीजिए एक लेजिस्लेशन है, एक लेजिस्लेशन है। ठीक, जैसे अपने यहाँ हम लोग हमारे यहाँ जैसे लॉज कानून होते हैं, वैसे ये इंटरनेशनल एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, उनकी जो है उनका ये लेजिस्लेशन है, आप ये समझ लीजिए। तो इसकी सहायता से जो भी वॉर, किस तरीके के वॉर लड़े जाएंगे और वॉर क्या होता है, वॉर में कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, ठीक है, और उन क्राइम्स को किसके द्वारा जो है ट्रायल किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने एक कोर्ट बना दी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब जो रोम स्टेच्यूट है उसमें बताया गया है कि क्या होता है वॉर क्राइम, कौन कौन से तरीके से हम लोग ये मानेंगे कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है। उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, जैसे जीनोसाइड बताया हुआ, मैंने अभी डिस्कस किया, जीनोसाइड बताया हुआ है, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया हुआ है, ठीक, और एक दो पॉइंट्स हैं वो अभी आगे देख लेंगे हम लोग। तो इन सारी चीजें अगर हैं तो इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रोम इंस्टीट्यूट के थ्रू ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाई गई थी, जो कि फंक्शनिंग हुई 1 जुलाई 2002 से। ठीक है, इसकी खास बात आप लोग याद रखिएगा कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए, वैसे यूपीपीसीएस में तो नहीं पूछेंगे, यूपीएससी में जरूर पूछ सकते हैं, कि इज इट अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट। ठीक है, बिकॉज ये जो कोर्ट बनी, ये इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आई और इन कंट्रीज की संख्या है आई थिंक अराउंड 143 या जो भी, अभी देख लेंगे आगे है, ठीक है संख्या। तो उन उसके थ्रू ये लोग इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और फिर ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को वही लोग फंडिंग भी करते हैं, हालांकि इसके इसके लिए कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशन से रहता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर ये चार जो है क्राइम्स लिखे हुए हैं, एक तो जीनोसाइड हो गया। जीनोसाइड आपको पता है कि मास एग्जीक्यूशन होता है किसी एक कम्युनिटी का, जैसे ज्यूज का किया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक है, ये चार चीजें इंक्लूड की जाती हैं
आईसीसी के द्वारा इनके ऊपर आईसीसी जो है इन्वेस्टिगेट करती है। और दूसरी बात, एक चीज और समझिए, ये जो आईसीसी है ये किसी स्टेट के अगेंस्ट में नहीं इन्वेस्टिगेट करती। कहने का मतलब, अगर सपोज दैट कि इसराइल ने अटैक कर दिया है तो इसराइल के खिलाफ ये नहीं जाएगी जब तक इसराइल की जो खुद की कोर्ट्स होंगी अगर वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगी कि वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का वॉयलेशन हुआ है, तब तक तो ठीक है, अगर तब नहीं करेंगी तब आईसीसी इस मैटर को देखेगी। दूसरी चीज, आईसीसी जो है वो इंडिविजुअल्स को ट्राई करती है, जैसे कि अभी आपने जल्दी में सुना होगा कि आईसीसी ने जो है पुतिन के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया था, ठीक, कि उन्होंने जो यूक्रेन में है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा की और एक काइंड ऑफ वॉर किया हुआ है लोगों के अगेंस्ट में, ठीक। तो इस तरीके के ट्रायल्स और फिर वारंट जो है जारी किए जाते हैं आईसीसी के द्वारा। अब आईसीसी के जो स्टेट मेंबर्स हैं वो 123 हैं, सॉरी मैं अभी 143 बोल रहा था, 123 स्टेट मेंबर्स हैं। और इन स्टेट मेंबर्स में आप बताइए क्या इंडिया है? इंडिया नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया आईसीजे का पार्ट तो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको परमानेंट कोर्ट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की जुडिशियल बॉडी है, लेकिन आईसीसी जो है वो इंडिया उसका सिग्नेटरी या रेटिफाई इंडिया ने रोम स्टेच्यूट को नहीं किया हुआ है, इसलिए आईसीसी के जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो इंडिया पर लागू नहीं होती है। आईसीसी सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को ट्रायल कर सकता है या उन्हीं इंडिविजुअल्स को ट्राई कर सकता है जिस स्टेट में वो है और वो स्टेट उनका मेंबर है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? सिर्फ इसका मतलब इनका जो जुडिशियल जो इनकी जुडिशियल डिस्टेंस है वो सिर्फ मेंबर स्टेट तक ही है, ठीक। फंडिंग कहाँ से मिलती है? फंडिंग इनको जो इनकी स्टेट पार्टीज हैं उनसे मिलती है, यानी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, और कई बार वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कई बार यूएनएससी भी इनको जो है कर देती है फंड, क्योंकि यूएनएससी अगर कोई भी ऐसा केस चाहती है जिसको आईसीसी कंडक्ट करे, रिव्यू करे, तो उसके लिए यूएनएससी उसको फंड दे सकती है। यूएन सेम गोज विद अस यूएन। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर अब ये देखिए, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, क्योंकि यूपी पीसीएस का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि देखिए एक कोई भी अगर कोर्ट संस्था बनी हुई है तो उसमें क्या होंगे? उसमें जजेस होंगे, ठीक, उसमें रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्री वाला ऑफिस होगा, उसमें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस होंगे, ठीक, और क्या होगा? बस अभी तीन चीजें आप मोटी मोटी याद रखिए और अभी देख लेंगे आगे अगर कुछ छूटा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो, और हाँ, चूंकि ये आईसीसी है, आईसीसी मेंबर स्टेट से बनी हुई है तो इनकी असेंबली भी है, ठीक, मेंबर्स की असेंबली भी है। अब कोर्ट जो है उसमें 18 जजेस होते हैं, ठीक, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और इनका 9 ईयर का टर्म होता है, तो 18 मेंबर्स जिनका टर्म 9 ईयर का, थोड़ा सा मैच हो रहा है 9 दुनिया 18 वाला, ठीक, तो हल्का सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब आ गए हैं जजेस हो गए, अब आ जाते हैं असेंबली ऑफ स्टेट्स है, ठीक, जो हमने बात की थी। फिर प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी होती है कि ये जो इनके जो मेंबर्स हैं वो बाहर की दुनिया से कैसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर जो इनके मेंबर स्टेट हैं वहां पर जो जुडिशरी चल रही है उनके जजेस के साथ कैसे वो अलाइन होंगे कि जो यहाँ की जो इन कंट्रीज की कोर्ट्स हैं ये कोर्ट्स इंटरनेशनल लॉज के साथ में अलाइन रह सके, ठीक है। इसके लिए प्रेसिडेंसी बनाई जाती है जो कि कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस होती है, 3 जजों से मिलती है। उसके बाद में ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक, ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर क्या करता है, वो उसके पास में जो भी केसेस होते हैं, जितने भी जहां कहीं भी वायलेंस हुआ है, जहां कहीं भी जेनोसाइड हुआ है, तो वो सारे मैटर सीधे ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर के पास में आते हैं और वही उनको आगे परस्यू करता है, ठीक। रजिस्ट्री ऑफिस आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और जुडिशियल डिवीजन होता है, हाँ ये चीज छूट गई थी, जुडिशियल डिवीजन है मतलब कि कई सारी कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है, जैसे पहली कोर्ट प्री ट्रायल, फिर ट्रायल डिवीजन, उसके बाद में अपील डिवीजन,
ठीक, ये तीन यहां से देख लीजिए, प्री ट्रायल, ट्रायल डिवीजन एंड अपील डिवीजन। ठीक, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप कोई भी केस लेके तो जा नहीं सकते हैं पहली बार में, वो तो एक काइंड ऑफ कोर्ट ऑफ अपील है ना। तो उसी तरीके से एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस होते हैं उसमें आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, वहां से आप स्पेशल लीव फॉर अपील है जैसे। ठीक, उसके बाद में ज्यूरिसडिक्शन आपको पता है सिर्फ मेंबर स्टेट तक ही इनका लागू होता है। ठीक, उसके बाद में उसके बाहर लागू नहीं होता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर लागू होता है, हैंडल्स प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। आईसीसी ओनली कॉम्पिटेंट टू हियर द केसेस इफ कंट्री वेयर ऑफेंस इज कमिटेड इज अ पार्टी टू रोम इंस्टीट्यूट। परपेट्रेटर्स कंट्री यानी कि ओरिजिन, दो चीजें हैं, दोनों कंट्रीज या तो इन्वॉल्व हो, सॉरी, दोनों कंट्रीज या तो इन्वॉल्व हो वॉर क्राइम में, या फिर अगर एक कंट्री, सपोज दैट रशिया ने अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूक्रेन भले ही मेंबर नहीं है लेकिन रशिया तो है, और रशिया ने तो जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का जो है किया है ना वायलेशन, तो बस उनके ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में जो हमने बताया, अगर किसी कंट्री के जो खुद की, जो इनका मेंबर कंट्री है, इनकी मेंबर कंट्री की खुद की कोर्ट अगर जो है इस पे एक्शन नहीं लेती किसी प्रकार के जीनोसाइड वायोलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज के ऊपर, तो उसके ऊपर, ओके, तो ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफरेंस क्या है। ये तो अभी रिसेंट का है, ये 1946 में है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बोथ ऑफिस इज इन द हेग नेदरलैंड एंड इन द यूएन रिलेशंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बट रिसीव कर सकता है रेफरल्स को। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बाध्यकारी नहीं है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकलिटी में रिसीव करता है। ठीक, इतना आप समझिए, ये तो ऑफिशियल कोर्ट ही है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक, केसेस टाइप क्या होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं और इसमें सिविल होते हैं। ठीक, सिविल मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, इसमें कंटेंसियस बिटवीन पार्टीज एंड एडवाइजरी ऑब्जेक्शंस। अब देखिए बात समझिए, देखिए क्या सिविलियन में क्या है, जैसे जो अपने यहाँ जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होती है, सपोज दैट कि अगर किसी कंट्री ने किसी की बाउंड्री का लफड़ा चल रहा है, उसको ठीक है झटक लिया है, कोई ट्रेड की प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस नहीं होने दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है आईसीजे में जाएंगी। लेकिन जहां पर वॉर की बात होगी, लड़ाई की बात होगी, मास मर्डर की बात होगी, यूज ऑफ वेपन की बात होगी, आर्टिलरी की बात होगी, बॉम्बिंग की बात होगी, सिविलियन क्राइसिस की बात होगी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात होगी, वो सारी चीजें आएंगी आपके आईसीसी के अंतर्गत। सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या है, जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक, इसमें क्या आते हैं, देखिए ये देखिए, मरीटाइम डिस्प्यूट, सोवरनिटी, अगर किसी कंट्रीज की सोवरनिटी को हार्नेस मतलब कि हार्म पहुंचाया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेड की प्रॉब्लम है, ट्रीटी ऑफ वायलेशन है, ठीक, ट्रीटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन राइट्स, तो ये सारी चीजें आप ध्यान ध्यान रखिएगा। ह्यूमन राइट्स याद रखिए, मरीटाइम सिक्योरिटी याद रखिए, मरीटाइम सॉरी डिस्प्यूट्स याद रखिए, बाउंड्रीज को याद रखिए, ट्रेड को याद रखिए। ठीक, ये पेन क्यों नहीं साथ में चल रहा है। उसके बाद में फंडिंग कहाँ से मिलती है, फंडिंग तो उनके मेंबर से मिलती है और इसको यूनाइटेड नेशन से मिलती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आजकल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब लिमिटेशंस क्या है, अभी एक चीज देख लीजिएगा, लिमिटेशंस क्या है, देखिए लिमिटेशंस आप समझिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारी कंट्रीज जो है इसका पार्ट ही नहीं है। ठीक, अराउंड 40 कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट नहीं, इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना एंड इंडिया, विच आर मेजर पावर ऑफ द ग्लोब एंड ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज वेल यूएसए एंड इंडिया। उसके बाद में दे हैव अ फंडिंग क्राइसिस बिकॉज ओनली मेंबर कंट्रीज गिव द फंडिंग। ठीक, उसके बाद में क्या कहा जाता है, सिलेक्शन इज वेरी सिलेक्टिव, केसेस का जो सिलेक्शन है वो कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी और पावरफुल कंट्रीज हैं, अगर वो ट्रेड का डिस्प्यूट है, सपोज दैट यूएस ने बहुत सारे अननेसेसरी बैन जो है वो ईरान के ऊपर लगा दिए, चाइना के ऊपर लगा दिए, रशिया के ऊपर लगा दिए, तो उसके लिए कोई सॉरी सॉरी, ये तो हम आईसीसी की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रेड वॉर की बात क्यों करेंगे। कहने का मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई पावरफुल, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई पावरफुल कंट्री है वो अगर कोई क्राइम करती है तो कई बार आईसीसी जो है उसको नेगलेक्ट कर देती है ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, और कहते हैं कि इनसफिशियंट सेफगार्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन एंड अदर व्यूज एज वेल एज इनएडिक्यूट चेक्स एंड बैलेंस ऑन प्रोसिक्यूटर
एंड जजेस अथॉरिटी। ठीक, यानी कि जजेस की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है प्रोसिक्यूटर्स के अथॉरिटी के ऊपर भी। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो केस को रिव्यू करता था, ठीक है, हमने देखा था, जिसके पास केस आते थे, जो केस को इन्वेस्टिगेट करता था, वही प्रोसिक्यूटर होता है ना, वही तो केस लड़ता है कोर्ट में। तो इनकी जो है अथॉरिटी के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। उसके प्रीवियसली चार्ज विद द फेवरिंग पावरफुल नेशंस, उसके बाद में लैक ऑफ, हमने बता दिया कि ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का है, उसके बाद में एक वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का जो है कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं छोटी कंट्रीज के, हेल्पलेस कंट्रीज के, उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है। बस कुल मिला के यही था आईसीसी की लिमिटेशन के अंतर्गत। तो ये ऐसी लिमिटेशन हैं जो आप किसी भी बॉडी में, इंटरनेशनल बॉडी में लिख सकती हैं कि देखिए वो जो है पावरफुल कंट्रीज को फेवर करते हैं, उनके पास लैक ऑफ फाइनेंशियल है, लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑन द अथॉरिटी है, हाँ, उसके बाद में नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, इस तरीके की चार पांच चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आईसीजे। अब आते हैं ग्लोबल फूड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी पर। देखो आज है 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब इसकी थीम क्या है? वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज फूड। तो इस आर्टिकल में जो FAO है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन तीन लोगों ने मिलकर किस तरीके से एग्रीकल्चर में जो हमारा वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम इफिशेंटली यूज करें, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो सस्टेन करे और हम जो है क्लाइमेट, किसी भी तरीके की क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ सकें। तो इसीलिए इन्होंने देखिए वाटर को जो है इस बार पूरा थीम बनाया है कि वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक। अब राइटर कहते हैं कि देखो कंट्रीज जो हैं सेवरे, अभी आपको ये तो पता ही है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ठीक, कभी ड्रॉट हो जाती है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, अनसीजनल रेन्स हैं, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स होते हैं, मतलब कि जब जुलाई में बारिश होनी है इंडिया में तो पता चला जुलाई में बारिश नहीं हो रही, अगस्त में हो रही है, फिर सितंबर में, अब अगस्त में भी नहीं हो रही तो सितंबर में खूब कसके हो गई, सिक्किम में पता चला कि लोनाक लेक बह गई, ठीक, वहाँ हिमाचल में बाढ़ आ गई, यूके में बाढ़, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है अनसीजनल रेन्स या फिर हैवी रेन्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक। तो विद, अब देखिए हमको पता है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव करना है, जहाँ पर हमें जीरो हंगर, ठीक, उसके बाद में न्यूट्रिशन इक्वलिटी की बात होती है, क्लाइमेट एक्शन की बात होती है, हेल्थ एंड गुड लाइफ, ठीक है, गुड हेल्थ एंड क्या होता है वो, गुड हेल्थ लाइफ की बात होती है। तो अब चूंकि 7 ईयर्स से भी कम का टाइम बचा हुआ है, तो किस तरीके से अब UN की जो फूड एजेंसीज हैं उनको इनोवेटिव और कोलेबरेटिव अप्रोचेज अपनाने चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू वो जो वाटर का कंजर्वेशन है, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन मेंटेन कर सके, ठीक है, इंप्रूव कर सके, कहने का मतलब, ठीक। अब बात वाटर पे ही होगी ना, वाटर के आप हमेशा याद रखिएगा, अब इसमें जो है इस पूरे आर्टिकल में वाटर की लगातार बात होगी, किस तरीके से हमें पानी को इफिशियंटली यूज करना है, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या है कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये UN की फूड एजेंसीज हैं, ठीक। अब सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर एड्रेसिंग इम्पेंडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। अब एग्रीकल्चर में दो एरियाज हैं, एक पहला एरिया है रेनफेड का एरिया, जहां पे बारिश के द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक। ये एरिया जो है, ये टोटल एरिया इंडिया का 60% जो इंडिया में लैंड है वो रेनफेड एरिया है, यानी कि बारिश के सहारे 60% खेती योग्य भूमि जो है वो बोई और जोती जाती है, और इसके थ्रू हमारा जो फूड होता है 40% फूड, खाना हम पैदा करते हैं बारिश के सहारे, ठीक। अब देखिए चूंकि बारिश की एक जो रिदम थी वो रिदम तो बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड और क्या कह सकते हैं उसको, हम जो है अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, ठीक।
क्यों हो गई? क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस आ गई है, क्लाइमेट चेंज हो गई। तो अब हमें अगर रेनफेड एरियाज में एग्रीकल्चर करना है तो हमें क्लाइमेट रेजिलियंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बताया जाता है। ठीक, अब दूसरा आ जाते हैं इरिगेशन वाला एरिया, जहाँ पे हम जमीन से पानी निकालते हैं। अब आपको एक चौंकाने वाला जो फिगर है कि हमारी जो टोटल वाटर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए 100 लीटर पानी हमने जमीन से निकाला तो उसमें से 72 लीटर पानी हम जो है सिर्फ एग्रीकल्चर खेती के लिए निकालते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमारे खाने में पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। पानी की इंपॉर्टेंस यही नहीं है कि जो हम पीते हैं, हमारा फूड भी पूरी तरीके से पानी पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर आप देखिए, अब मुझे एक चीज बहुत अच्छी चीज याद आ गई कि जो चाइना में हम लोग अपना, या फिर पूरे वर्ल्ड में हम लोग अपना राइस को और सुगर केन को एक्सपोर्ट करते हैं और हम इस पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब 72% आपका पानी केवल एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है तो आपका पानी भी तो एक्सपोर्ट हो रहा है इसी के साथ में, इन एग्रीकल्चर फूड्स के साथ में। तो हमें, और चाइना और जो कंट्रीज हैं जो इस चीज को समझ गई हैं, वो होशियारी करती हैं, वो ऐसा नहीं कर रही हैं अब आने वाले टाइम में। ठीक है, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको वो एक्सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखिए, जब 72% पानी निकल रहा है हमारे जो वाटर जमीन के नीचे जो रिजर्वायर्स हैं पानी के, जिनको हम एक्वाफर्स बोलते हैं, ये एक्वाफर्स तो डिप्लीट हो रहे हैं ना। और अगर आप एकदम से हैंडपंप लगा के और खूब कस के पानी इसमें से निकालते जाएंगे तो फिर ये रिचार्ज नहीं हो पाएंगे, अनसस्टेनेबल इनका अगर आप यूज करेंगे तो। क्योंकि देखिए, पानी बारिश होती है, रिचार्ज होते हैं ये जो टैंक्स हैं नीचे के, हमारे जो नेचुरल टैंक्स हैं, लेकिन फिर जब एक लिमिट के बाद में इनका पानी खत्म हो जाएगा, और ऊपर से जो रिवर्स बहती हैं वो भी कई बार इनको अपना वाटर देती हैं, तो जब और इनसे वाटर लेती भी हैं। ठीक है, तो एक जो इकोसिस्टम है उसको, लॉन्ग लास्टिंग इकोसिस्टम को डैमेज हो जाएगा, और सीजनल रिवर्स डीप इक्वाफर्स को भी नुकसान पहुंचेगा, जो हमने समझ लिया। हम अब राइटर कहते हैं कि देखो, डिकेड्स हो गए हैं, डिकेड से मतलब कि सालों से, 10-10 सालों से करीब हम लोग पानी का वेस्टेज और उसका पुअर मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। ठीक, पुअर मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्लाइमेट क्राइसिस आई हुई है। क्लाइमेट क्राइसिस आई हुई है तो हमारे पास में फ्रेश वाटर की सप्लाई और फ्रेश वाटर से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, या वो डिग्रेड हो गया है। अब जब ये डिग्रेड हो गया है फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, और हमारे इरिगेशन में फ्रेश वाटर ही सप्लाई होता है, तो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक, क्यों अफेक्ट होने वाले हैं? क्योंकि जो 80% से ज़्यादा ही स्मॉल फार्मर्स हैं पूरे पूरे विश्व में बताया जाता है। ठीक है, स्मॉल स्केल फार्मर्स इन द वर्ल्ड, ये सिर्फ और हम लोग इंडिया में भी लगभग में यही फिगर है। अब एक चीज़ देखने वाली है कि ये तो वर्ड लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में। ठीक, अब एक बार मैं इसको मैच कर लूँगा इंटरनेट से सर्च करके, और आप लोग भी देख लीजिएगा क्या सच में पूरे विश्व में भी 80% ही टोटल स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स, क्योंकि इंडिया में तो ये नंबर्स हैं। ठीक है, कई सारी रिपोर्ट्स में आता है। अच्छा, हाँ, बात अब करते हैं। राइटर इसीलिए बताते हैं कि देखो, जब वाटर सप्लाई डिस्टर्ब्ड हुई तो उसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई, और वर्ल्ड की 40% लैंड जिस पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो डिग्रेड हो चुकी है। ठीक, 40% लैंड। अब ये जो अगर लैंड डिग्रेड हो गई तो इससे सबसे ज्यादा तो इफेक्ट स्मॉल फार्मर्स के ही होगा ना, क्योंकि भाई उनके पास फाइनेंस नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी है भी मान लीजिए मार्केट में, तो उनके पास इतना छोटा पैच ऑफ लैंड है कि वो उस पर कहाँ बड़े मैकेनाइजेशन, बड़ी बड़ी मशीन्स कहाँ पे यूज कर पाएंगे इस पे। ठीक, और इरिगेशन तो दस बेयरली सस्टेनिंग देयर लाइवलीहुड्स, तो उनकी जो है सबसे मेन चीज तो उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट होगी ना, तो यही चीज है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्या कर रही है? तो देखो, ये तो बात होगी कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर से क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक, पुअर वाटर मैनेजमेंट से। अब देखिए, अब ये तो हमारा था, अब हुआ क्या जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, हालांकि ये भी हमारी वजह से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से क्या हो रहा है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है,
एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो रही है। अब एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है? शिफ्टिंग ग्रोइंग सीजन, मतलब कि देखिए किसी एक एरिया में कोई एक क्रॉप होती थी खूब कस के, ठीक है, अब वहां पर जो है वो क्रॉप क्लाइमेट की वजह से वो क्रॉप उगना बंद हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अरहर की दाल खूब होती थी, लेकिन अब चेंजिंग कंडीशंस के बाद में अरहर की दाल नहीं होती है, तूर दाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं पैदा होती है। तो इस तरीके की कंडीशंस जो इकोलॉजिकल एग्रो इकोलॉजी है, इस टर्म को आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, चेंजिंग इकोलॉजिकल एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस। और शिफ्टिंग ग्रोइंग सीजन मतलब ये कि जहां पहले जुलाई में या फिर जून 15 के बाद में धान लगने स्टार्ट हो जाते थे, ठीक, पैडी की क्रॉप लगने लगती थी, वहीं पर अब जुलाई 15 में लगती है। क्यों लगती है? पहले जून में लगती थी, ठीक, क्यों लगती जुलाई में? क्योंकि रेन ही नहीं होती है, ठीक है, और लोग मानसून, और जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक 3-4 महीने की भीषण गर्मी के कारण जो लैंड ड्राई होती है, इट इज इम्पॉसिबल टू यू नो प्लांट द पैडी प्लांट्स। तो ये बात हो गई, तो इनका जो ग्रोइंग सीजन है वो भी शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ असेसमेंट किए कि 2025 में किस तरीके से यील्ड कम हो जाएगी, तो आप ये फिगर्स हो सकता है याद नहीं कर सकते हैं, ये मैंने उसमें से जो है लिखा हुआ था उसको टेबल फॉर्म में बनाया है आप लोगों के लिए, तो ये हो सकता है ये फिगर्स आप लोगों ने याद रख पाए। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना कि गवर्नमेंट ने जो क्रॉप प्रोजेक्शंस हैं और क्रॉप सिमुलेशन मॉडल्स हैं उनका हेल्प लेकर, क्रॉप प्रोजेक्शन से और क्रॉप सिमुलेशन मॉडल का यूज करके 2050 और 2080 में जो क्रॉप यील्ड होगी उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी एनालिसिस की। और इसमें उन्होंने पाया कि जो चावल है, अब चूंकि चावल के लिए रेनफेड और इरिगेटेड दो अलग अलग एरियाज दिखाए गए, क्यों? क्योंकि चावल एक जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो उसके लिए रेनफेड एरिया और इरिगेटेड एरिया दोनों में क्या डिफरेंस, अलग अलग ह्यूज डिफरेंसेस होंगे। जैसे 2050 तक उम्मीद की जाती है कि जो क्रॉप, जो राइस की यील्ड है वो 20% कम हो जाएगी, और 2080 तक 47%, मतलब कि आधी, जो कि एकदम फूड सिक्योरिटी के लिए तो त्राहिमाम त्राहिमाम वाली सिचुएशन हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर इरिगेटेड है तब तो 3.5% और 5% रिड्यूस यहां पर भी हो रहा है, हालांकि रिड्यूस नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में तो जनसंख्या वृद्धि ही होगी ना, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा फूड चाहिए और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। वीट कितना डिक्रीज होगा? वीट का है 20% 2025 तक, ठीक, और 40% 2080 तक। खरीफ की जो मेज की फसल है यानी भुट्टा वाली, वो 18% और 23% 2080 तक। तो आप मोटा मोटा उसमें लिख सकते हैं कि एज पर गवर्नमेंट रिसर्च द क्रॉप यील्ड्स इन 2050 विल रिड्यूस बाई 20% एंड इन बाई 2080 रिड्यूस बाई 40%, ठीक, क्योंकि 20% यहाँ पर है, 18% है, 18% है, 19%, 18%, यहाँ 40, 40, 30, ठीक। तो इस तरीके से, तो अब देखिए, मेजर्स बाई यूएन एजेंसीज टू हेल्प द फार्मर्स, ये हेडिंग थी हमारी। अब देखिए, अब देखते हैं कि ये जो यूएन एजेंसीज हैं, ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, और हमने बात कर ली कि किस तरीके से हमारे जो क्या हमने बात की थी कि किस तरीके से जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं और पुअर वाटर मैनेजमेंट है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई, ठीक, और क्या क्रॉप के प्रोजेक्शंस हैं। अब देखते हैं कि FAO की ये मास्टर स्लाइड मैंने बनाई हुई है, जिसमें जो है FAO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और IFAD ने क्या क्या काम किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रही है टू कम्बैट द क्लाइमेट क्राइसिस एंड क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, ताकि हमारी जो फसल वो क्लाइमेट रेजिलियंट हो सके। FAO ने क्या किया हुआ है? सबसे पहले हेल्पिंग इन फार्मर्स, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, और दूसरी चीज है क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए। तो कुला के आपको कुछ भी हो, मोटा मोटा ये याद होना चाहिए कि क्या क्या इनिशिएटिव उनके द्वारा किए जा रहे हैं। आप भले इतना कैटेगराइज ना कर पाए, लेकिन एक मोटा मोटा दिमाग में आइडिया आपके होना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क एंड मॉडल इन्होंने डेवलप किया हुआ है, ठीक। अब क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क एंड मॉडल से क्या होगा कि जो किसान है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि उनको कौन सी फसल बोने में उनकी कम लागत लगेगी और ज्यादा मुनाफा उनको मिलेगा।
अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो जमीन है, जो सॉइल है, उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो पता कर रहे हैं, वहां की वेदर पैटर्न क्या रहता है, यानी कब बारिश आती है, कब बारिश नहीं आती है, कितने पिछले 10-20 सालों का वेदर पैटर्न देख रहे होंगे, और मार्केट इंफॉर्मेशन उसी में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में सपोज दैट कि मक्का या बाजरा का रेट क्या रहेगा, ठीक, अगर इसका अंदाजा मिल जाए तो किसान उसी फसल को बोएगा जिसमें मार्केट में अच्छे रेट मिल रहे होंगे और उसकी सॉइल उसके हिसाब से सही होगी, ये चीज। तो ये तो बात होगी एफएओ की, ठीक, क्रॉप फोरकास्टिंग सिस्टम इन्होंने मॉडल स्टार्ट किया है, ठीक। उसके बाद में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने जो है इरिगेशन सपोर्ट सिस्टम को स्टार्ट किया है। कैसे? बाई फिक्सिंग इरिगेशन कैनाल्स। जो देखिए इरिगेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं भाई, कैनाल्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक, और रिजर्वायर्स बनाएंगे। तो इन इन जो कंस्ट्रक्शन जो ये कर रहे हैं, इसके लिए ये लोगों ने जो है फूड असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया इन एक्सचेंज ऑफ लेबर। ये बहुत अच्छा काम किया। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो फूड का असिस्टेंट करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ लेबर, ठीक। और इस तरीके से पूरे विश्व की 49 कंट्रीज में उन्होंने फूड सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक। एक तो चीज ये हो गई। अब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या कर रहा है? अब ये है इंटरनेशनल फंड, यानी कि ये फंड वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड प्रोवाइड करेगी। अब किस लिए फंड प्रोवाइड कर रही है? कि माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि इन्वायरमेंटली और सोशली सस्टेनेबल हो और फिनेंशियली वायबल हो, ठीक। फाइनेंस की बात करेंगे जब भी फाइनेंस करेंगे, और मनरेगा का भी यूज कर रहे हैं, मनरेगा स्कीम को भी जो है यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, IFAD वाले, ठीक है। तो ये मनरेगा है उससे भी उसका भी यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने में, ठीक। उसके बाद में अब आ जाइए फिर से कि क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए क्या कर रहा है। तो क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए जो FAO है उसने यूपी में, अब ये हमारे यूपी स्पेशल का भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल गया है, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, कि जो फार्मर्स वाटर स्कूल प्रोग्राम ये चला रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो है गांव गांव में जाते हैं, वहां पर किस तरीके से वाटर को इफिशियंटली क्रॉप के हिसाब से यूज किया जा सकता है, तथा एक पर्टिकुलर लोकेशन की हाइड्रोलॉजिकल क्या कंडीशंस हैं, मतलब कि जमीन में कितना वाटर है उसकी भी सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, और वहां के क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो फार्मर वाटर स्कूल प्रोग्राम ये चला रहे हैं यूपी में, जो कि एक काइंड ऑफ वाटर यूज अवेयरनेस प्रोग्राम है। सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक, इनका ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि ये जो है वाटर यूज इफिशियंसी को मेंटेन कर सके। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में इन्होंने स्टार्ट किया है फार्मर मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर सिस्टम, यानी कि जो FAO है वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादातर चला रहा है, ठीक है। उसमें फार्मर्स वाटर स्कूल हो गया, एक आंध्र प्रदेश का फार्मर मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर सिस्टम हो गया। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फोकस करता है स्मॉल होल्डर फार्मर्स पर और वीमेन्स पर ऑफ उड़ीसा, ठीक, टू डेवलपिंग द सोल्यूशंस। किस तरीके के सोल्यूशंस? अब ये सोलर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ठीक, कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज का, क्लाइमेट बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब जो कम्युनिटी एक साथ कम्युनिटी में डिस्कस हो सके किस तरीके से हमें क्लाइमेट को कम्बैट करना है, ठीक है। मिलेट वैल्यू चेन को सपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग मिलेट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो वाटर इफिशियंट क्रॉप्स हैं, वो बहुत कम वाटर को यूज करके और ग्रो होती हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी होती हैं अब नई रिसर्च के हिसाब से। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर क्या कर रहा है? ये फिर फंड की बात हो गई, ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो आप दो चीजें कर सकते हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर रहा है और दूसरा माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहा है, फंड कर रहा है, ठीक। अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग किस, क्लाइमेट फाइनेंसिंग मतलब जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम की वजह से कंपनीज, कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस पैसा देते हैं उसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो पैसा होता है ये यूज कर रहे हैं रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल हेल्थ।
सॉइल को इम्प्रूव करने में, ठीक, क्योंकि भाई इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर है ना, तो एग्रीकल्चर को ही तो इम्प्रूव करेंगे और वाटर रिसोर्सेज को। महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, नालंदा, नागालैंड एंड मिजोरम में इनके जो है ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पर ये ऐसी सीड्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो, इंक्लूडिंग मिलेट सीड्स, ठीक, और फार्मर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाएं और सॉइल मैनेजमेंट करें, ठीक। तो ये चीजें, इतनी चीजें थी। अब वे फॉरवर्ड में आप अपने मन से सोचिए कि वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में होना चाहिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक, उनमें सबसे पहली बात तो हम माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का यूज करें, ठीक, हमें हाइड्रोलॉजिकल मैप हमारे पास होना चाहिए और जो वहाँ की वेदर कंडीशंस हैं, यानी जो वेदर पैटर्न्स रहे हुए हैं पिछले प्रीसीडिंग ईयर्स के, उनकी अगर डिटेल्स हो, ठीक, तो जो जो फार्मर है वो ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा। साथ ही साथ में जो इनका क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम था FAO का, वो एक इम्पॉर्टेंट था। ये देखिए क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क एंड मॉडल जो था, ये इस तरीके के सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, थैंक यू सो मच। और आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल मेंटरिंग मॉन्क को जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा आप लोग, चलिए चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।